नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीसीवीली टीम में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि आप यूसीएल के माध्यम से अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। हालांकि यूसीएल जो सीसीवीएली को ही ये काम मिला है, यूसीएल का जो यूसीएल के थ्रू अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, DOB एड्रेस, पिता पति का नाम जो भी चेंज होता है वो यूसीएल के माध्यम से चेंज हो जाता है। अगर आप एक VLE हैं तब भी आप एक वीडियो देख सकते हैं कि UCL किस तरह से चलता है और किस तरह से काम होता है। जो लोग UCL पे काम कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है ही नहीं, कि उनको ऑलरेडी सारी चीज़ें पता है कि किस तरह से उनको अपने आधार कार्ड में संशोधन किया जाता है। अगर आप एक नागरिक हैं, आप एक कार्ड आधार कार्ड धारक हैं, तब इस वीडियो को आप देख सकते हैं और वॉच कर सकते हैं, आगे की जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से अपडेट होता है। आप जब किसी सेंटर पर जाएंगे अपडेट करवाने के लिए तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुँचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि UCL पे लॉगिन है, यहाँ पर हम अपना आधार नंबर डालेंगे। जो हमारा आधार नंबर है कैंडिडेट का, वो आधार नंबर यहाँ पर डाला जाता है। यहाँ पर जैसे ही हमारा आधार नंबर पड़ेगा, यहाँ पर रेसिडेंस का फिंगरप्रिंट हमको स्कैन करना और इधर राइट हैंड पर जो सुपरवाइज़र होता है, जो हमारा ऑपरेटर होता है, उसका फिंगरप्रिंट लिया जाता है। तो दोनों प्रोसेस एक साथ चालू हैं। अभी ये फाइंड होगा आधार हमारा, फिर उसके बाद का जो प्रोसेस है आपके सामने रहेगा। ये फाइंड कर रहा है, थोड़ा सर्वर दिक्कत रहती है, प्रॉब्लम रहती है, तो चलिए खैर हो गया। यहाँ पर हम फटाफट अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और कर सकते हैं। अगर आप एक नागरिक हैं, आधार कार्ड धारक हैं, तो आप किसी भी नज़दीकी CSC केंद्र पर जाकर जहाँ पर UCL चालू, वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या कोई भी अपडेशन है वहाँ पर जाके आप आसानी के साथ करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं होती है, आराम से आप सारा काम कर सकते हैं, जाके वहाँ पे करवा सकते हैं। ये देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल नंबर पड़ चुका है, आगे का प्रोसेस शुरू होने वाला है। यहाँ पर हम ऑपरेटर का फिंगरप्रिंट लेते हैं और यहाँ पर ऐसे ही किया, ऑपरेटर का भी हो जाता है। ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो रहा है, सर्वर सही चल रहा है। यहाँ पर हमको जो है पे कोड जो है पैसे, यहाँ पर 50 रुपये का जो अमाउंट होता है वो यहाँ पर हमको पे करना होता है, जो हमारा कंज्यूमर है उसको देने होते हैं, तो उसका यहाँ पे डाला जाता है। यहाँ पर कुछ फीस कटती है जो यहाँ देना होता है VLE को। यहाँ से अपना जो पिन कोड है, पिन है, वो डाला जाता है यहाँ पर, जो हमारे पोर्टल का है। लॉगआउट हो गया था तो फिर से लॉगिन हो रहा है हमारा डैशबोर्ड। यहाँ पर हम लॉगिन करके दोबारा से ये सब कर लेते हैं। यहाँ पर जो अमाउंट है हमारा डिटेक्ट होगा, यहाँ पर हमको एक यूनिक कोड मिल जाता है, पेक कोड होता है। यहाँ पर पेक कोड डालेंगे तभी ये हमारा आगे का प्रोसेस होता है। ये हमारा सक्सेस होगा, यहाँ से हमको प्रिंट आउट ले लेना होता है। प्रिंट आउट यहाँ से हमको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हमको स्कैन कर लेना होता है। ये हमारा आगे का प्रोसेस चालू है, स्टार्ट है, स्कैन हो रहा है। जैसे ही स्कैन होगा यहाँ पर आप इसको हमको कर देना होता है। ये स्कैन हो रहा है, यहाँ पर ये स्कैन हो गया और फिर इसके बाद हमको जो रिसिप्ट है उसको भी स्कैन करना होता है। हमें ये रिसिप्ट भी यहाँ पर हमारी स्कैन हो रही प्रिंटर के थ्रू, थोड़ा समय लेता है यहाँ स्कैन होने में, क्योंकि कलर में DPI ज़्यादा लगा के इसको यहाँ पे हमको करना होता है। हालांकि बहरहाल ये पूरा हमारा प्रोसेस पूरा हो चुका है। कस्टमर को एक स्लिप मिल जाती है, उसको 2-3 दिन में ये अपडेट हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक इजाज़त, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।